जिला सिरमौर में लहसुन अदरक समेत सब्जियों की बंपर पैदावार तो होती है, लेकिन किसानों को आज भी उनकी नगदी फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। इसे लेकर किसान सभा के राज्य अध्यक्ष कुलदीप सिंह तंवर ने नाहन में एक बैठक आयोजित की। उन्होंने कहा कि किसान बागवान अपनी समस्याओं को समय समय पर प्रदेश व केंद्र सरकार के समक्ष उठाते रहे हैं, लेकिन कोई भी स्थायी समाधान नहीं हुआ है और ना ही नगदी फसलों की स्टोरेज को लेकर कोई सुविधा दी जा रही है। भारतवर्ष के अंदर जो लगभग 16-17 करोड़ किसान परिवार हैं, उसमें से 50% किसान है जो ऋण से ग्रस्त है, जिन्होंने अपनी, क्योंकि खेती बहुत इस समय महंगी हो गई है, तो उसके लिए जो ऋण लेते हैं उसको वो वापस नहीं कर पाते हैं। केंद्रीय सरकार इस समय तीसरी बार भी जो सत्ता में आई है, उन्होंने बिग कॉरपोरेट को लगभग 14 लाख करोड़ से ज्यादा जो उन्होंने ऋण लिए थे, उनको डिफरेंट लेवल के ऊपर उनकी बिजनेस प्रमोशन के लिए, ईज ऑफ द बिजनेस और कई तरीके से उनको एक लाभ देने के लिए, उनको तो एक फायदा दिया पर किसानों को नहीं दिया।